केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इंडिपेंडेंट विटनेस प्रभाकर साहिल जो हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रभाकर कुछ घंटे तक वहां रहे, अब वो बाहर निकले हैं और क्राइम ब्रांच के अधिकारी उनको लेकर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। दरअसल प्रभाकर साहिल ही वो इंडिपेंडेंट विटनेस या इस मामले के गवाह हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीबी यहाँ कोई जाँच नहीं कर रही, बल्कि ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट है, वसूली की जा रही है और आर्यन खान उसी वसूली का शिकार है। उनको ड्रग्स के लिए गिरफ्तार नहीं किया, ऐसा कहने की कोशिश प्रभाकर साहिल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कई खुलासे भी किए कि कैसे किरण गोसावी ने उनको फोन करके बुलाया और किरण गोसावी किसी से पैसे की बात कर रहे थे, 25 करोड़ मांगे जा रहे थे। हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। शिवानी, सबसे पहले ये जो बड़ी खबर आ रही है इस पर बात करते हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से प्रभाकर साहिल मिला है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही, क्या अपडेट्स आपके पास? जी, प्रभाकर जो साहिल है वो पहुंचे थे मुंबई पुलिस के दफ्तर में, जहां पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, जो कि चीजें उन्होंने एफिडेविट में कही थी उन सारी चीजों को उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने रखा है। ये बात बताते हुए कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है या उन्हें एनसीबी के अफसर या इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जान पर अटैक कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं या उन पर हमला हो सकता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना एक जो स्टेटमेंट है वो मुंबई पुलिस के आगे रखा है। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि ये जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, जो कि विटनेस है एनसीबी का, उसने जितनी भी बातें कही हैं अपने तथ्यों में वो सुनी हुई है। जैसे कि वो गाड़ी में मौजूद थे, तो जो भी बातें किरण गोसावी किसी और से कर रहे थे वो इन्होंने सुनी है, यानी कि एक पक्ष की बात इन्होंने रखी है जो कि मुंबई पुलिस के सामने भी उन्होंने रखी। लेकिन अब वही दूसरे बात की जाए तो सारी सीडीआरस अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है, इसलिए इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना थोड़ी ज्यादा तेजी की बात हो जाएगी। लेकिन वही जो इंडिपेंडेंट शख्स है, इसने अपना स्टेटमेंट मुंबई पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया है, वही सारी सेम चीजें जो एफिडेविट में लिखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की डिमांड करते हुए फिलहाल सेल नजर आ रहा है। जी, इंक्वायरी की शुरुआत भी हो गई है। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और दरअसल अहम जो अभी बयान आया था नवाब मलिक का, समीर वानखेड़े ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने एक एक करके जो भी आरोप नवाब मलिक ने लगाए उसका जवाब दिया। और शिवानी, नवाब मलिक कह रहे हैं, अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक फर्जी आदमी है, बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम कुछ और है और उसी का इस्तेमाल करके, कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके किसी और के हिस्से की नौकरी उन्होंने ली और वैसे वो कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करता है। जी देखिए, इसमें सीधी सीधी बात कही जा सकती है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ की जा रही है, जहां पर समीर वानखेड़े के लिए भी उन्होंने, समीर वानखेड़े ने खुद भी यही कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन से नहीं डरते, वो अपनी सारी डिटेल, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर तक की सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने रखने के लिए तैयार है। लेकिन प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने ये भी साफ साफ मेंशन किया कि जिस तरह से उनके मृत माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, परिवार के ऊपर, उनके पर्सनल प्रोफेशन को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर कर रहे हैं बल्कि उनके खुद के मेंटल स्टेटस को भी टेम्पर करते हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि ऑनरेबल मिनिस्टर द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और वो इन सारी चीजों का खंडन करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है। फिलहाल आज समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचेंगे, उनकी यूपीएससी से जुड़ी हुई एक खास उनका काम है वो निपटाएंगे, जिसके बाद अगला जो जी शिवानी, अभी इन आरोपों के पीछे किसकी क्या मंशा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आप बने रहिए शिवानी हमारे पास। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इस मामले में वो ये कि एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच करने का फैसला ले लिया गया है। आर्यन खान केस में गवाह नंबर एक प्रभाकर साहिल ने दरअसल कल टाइम्स नेटवर्क पर बड़ा दावा किया था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे करोड़ों की वसूली का खेल था। टाइम्स नेटवर्क के इस खुलासे के बाद ही एनसीबी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच कराने का फैसला किया है। प्रभाकर ने कल टाइम्स नाउ नव भारत पर दावा किया था कि आर्यन के जरिए शाहरुख खान से वसूली की कोशिश की जा रही थी। उसने ये भी दावा किया था कि 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि इस मामले में सभी की भूमिका की जांच की जाएगी। सर, ये एनसीबी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उस पर जैन सर ने सर कल प्रेस नोट जारी करा और बोला कि विजिलेंस जांच करवाई जाएगी, डीजी सर को भेजा गया है। आप सर चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, इन आरोपों पे किस तरह की जांच होगी? सर, महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है, उसका संज्ञान लेते हुए
उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है, इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी थ्रू आर साउथ वेस्टर्न ऑफिस। सर जब तक एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? इट इज प्रीमैच्योर टू कमेंट। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, जैसा कि मैं कह रही थी कि अभी कौन आरोप किस मंशा से लगा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन एनसीबी कोई चांसेस नहीं लेना चाहती। एनसीबी ने अपनी तरफ से विजिलेंस जांच का फैसला ले लिया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, समीर वानखेड़े ने पहले भी कहा था, कोर्ट में भी आज एफिडेविट उन्होंने मुंबई के सेशन कोर्ट में सबमिट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लग रहे जो आरोप हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं, काफी ज्यादा पर्सनल हैं, और साथ ही साथ एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन पर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर ये विजिलेंस जो इन्वेस्टिगेशन है ये होगी, इसकी रिपोर्ट भी दाखिल होगी। लेकिन इस रिपोर्ट के दरमियान खास बात जानने को ये मिलेगी कि आखिर कौन किस मंशा से, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर सवाल खड़े कर रहा है, आखिर कौन कौन से वो लूप होल्स थे जिसको लेकर ये सारे सवाल क्रिएट हुए, क्योंकि इसके पहले भी काफी सारे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को एनसीबी ने हैंडल किया है अक्रॉस द कंट्री। और मुंबई की ही बात की जाए तो कई सारे हाई प्रोफाइल फेसेस एनसीबी के सामने आए हैं, अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके गए हैं, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेटिव टीम और ऑफिसर के ऊपर ही इल्जाम लग रहे हैं, जो कि मामला अब हाई कमांड तक पहुंच चुका है, हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुका है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है उसे प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि अब इन्वेस्टिगेशन प्रोब जो है वो शुरू होगा। इसमें समीर वानखेड़े के स्टेटमेंट को भी मद्देनजर रखा जाएगा, उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा कि आखिर उस रात इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी, कौन कौन लोग इनके साथ जाने वाले थे और किस तरह से सारी चीजें बाद में पलटी हैं एनसीबी के खिलाफ। जी बिल्कुल शिवानी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि शिवानी बता रही थी कि अब एफिडेविट बनाम एफिडेविट की स्थिति सामने आ रही है। एफिडेविट की लड़ाई जो है वो कोर्ट पहुंच गई है। एक दिन पहले ड्रग्स केस में गवाह नंबर एक प्रभाकर साइल ने अपने एफिडेविट में एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं अब समीर वानखेड़े ने भी अपने एफिडेविट के जरिए प्रभाकर की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको हम दिखा देते हैं कि समीर वानखेड़े ने अपनी एफिडेविट में दरअसल कोर्ट से कहा क्या। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में ये कहा है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक राजनीतिक दल के नेता लगा रहे हैं और निजी हमले उन पर राजनीतिक दल के नेता यानी नवाब मलिक की दरअसल वो बात कर रहे हैं, निजी हमले उनके ऊपर किए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक राजनेता के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि उनके रिश्तेदार की गिरफ्तारी हुई है इसीलिए समीर वानखेड़े पर निजी हमले किए जा रहे हैं। साथ ही समीर वानखेड़े ने अपनी एफिडेविट में ये कहा है कि समीर खान की गिरफ्तारी NDPS एक्ट के तहत की गई थी और समीर खान को कोर्ट से अब जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि गिरफ्तारी हुई थी इसीलिए उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं, इसीलिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका उन्होंने खंडन किया, जिससे उन्होंने इनकार किया है। ये भी कह रहे हैं समीर वानखेड़े अपनी एफिडेविट में कि उनके खिलाफ दरअसल बदले की भावना से ये हमले किए जा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है और गिरफ्तारी की धमकी उन्हें दी जा रही है। तो गिरफ्तारी की धमकी की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छवि को मेरी खराब करने की कोशिश हो रही है, मुझे नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी मिली है, कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच करे। अपनी एफिडेविट में ये तमाम बातें समीर वानखेड़े ने कही हैं कि ये निजी हमले इसीलिए हैं क्योंकि एक राजनेता के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद बदले की भावना से ऐसा किया जा रहा है, गिरफ्तारी की धमकी मिल रही है, नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी मिल रही है, इसीलिए कोर्ट को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। टाइम्स नाउ नेटवर्क के आर्यन ड्रग्स केस में सनसनीखेज खुलासे के बाद कई सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अब तक इस खबर का क्या असर हुआ है वो भी देखिए। एनसीबी के डीजी से जांच की अपील की गई है टाइम्स नाउ के खुलासे के बाद। मुंबई पुलिस कमिश्नर को समीर वानखेड़े ने चिट्ठी लिखी, कहा कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। गवाह नंबर एक प्रभाकर साइल ने दावा किया कि आर्यन वसूली कांड का शिकार हुआ क्योंकि एक्सटॉर्शन करना था, वसूली करनी थी उनके पिता से। समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने थे, ये बात प्रभाकर साइल ने सुनी, ऐसा दावा प्रभाकर साइल गवाह नंबर एक इस मामले का कह रहा है। एनसीबी ने जांच करने का फैसला ले लिया है। एनसीबी के डीडीजी ने
सिफारिश की है। अधिकारियों के स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड किए जाएंगे कि ये जो आरोप लग रहे हैं इस पर अधिकारियों को क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल भेजने की और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है। ये बातें समीर वानखेड़े ने उस पत्र में लिखी और कहा कि उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए क्योंकि उनको लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद उन्होंने एफिडेविट भी दायर किया कोर्ट में, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि मेरे और मेरे परिवार की छवि को खराब करने की ये कोशिश है और इसीलिए ये निजी हमले किए जा रहे हैं। जो सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने ट्विटर पर पोस्ट किया था उसका भी जवाब एक प्रेस रिलीज के जरिए समीर वानखेड़े ने दिया है। सबसे बड़ा खुलासा गवाह नंबर एक प्रभाकर साहिल ने टाइम्स नेटवर्क पर किया जिसमें प्रभाकर साहिल ये दावा कर रहा है कि आर्यन खान एक वसूली रैकेट का, एक एक्सटॉर्शन रैकेट का दरअसल शिकार है और 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे किरण गोसावी द्वारा, जो कि उसने सुना, ये बातचीत होते हुए प्रभाकर साहिल ने सुना और 25 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की भी बात हुई थी। प्रभाकर साहिल का ये कहना है कि उसे एनसीबी के दफ्तर में किरण गोसावी ने फोन करके बुलाया था जहां उससे कहा गया कि कुछ दस्तावेजों पर उसे दस्तखत करने हैं। जब उसने दस्तखत करने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो सारे खाली पन्ने थे, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो दावा कर रहा है कि कम से कम ऐसे 10 खाली पन्नों पर उसके दस्तखत किए गए हैं और साथ ही प्रभाकर साहिल ये भी आरोप लगा रहा है कि उसे अब डर सता रहा है कि कहीं उसको किडनैप ना कर लिया जाए, कहीं किरण गोसावी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। ये भी दावा उसने हमसे बातचीत में किया कि किरण गोसावी ने उसे फोन करके ये जानकारी दी थी कि वो किसी और देश में है इस वक्त और वो कुछ दिनों में सरेंडर कर देगा। ये तमाम खुलासे प्रभाकर साहिल के उस इंटरव्यू के बाद जो उसने टाइम्स नेटवर्क को दिए हुए हैं और इससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। हमारे इस बड़ी खबर का असर भी हुआ है। समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस की जांच के आदेश दे दिए गए, सभी अधिकारियों के उसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, कहा कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर की। टाइम्स नाउ नेटवर्क के आर्यन ड्रग्स केस में सनसनीखेज खुलासे के बाद मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और ऋषभ सचदेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत एक वकील ने दर्ज कराई है। इस शिकायत में एनसीबी की छापेमारी पर भी शक जताया गया है। इस बीच लीगल राइट्स नाम के संगठन ने भी मलाड पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत एनसीबी की छापेमारी और आर्यन खान मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े से केस से जुड़ी हुई है। लगातार न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप बल्कि एफिडेविट बनाम एफिडेविट और शिकायत बनाम शिकायत, ये सिलसिला जारी है। आर्यन ड्रग्स केस में टाइम्स नाउ नेटवर्क के बड़े खुलासे के बाद कई सारे फैसले लिए गए हैं। जांच होगी, तीन गवाहों के खिलाफ येलो गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, वहीं समीर वानखेड़े की भी जांच एनसीबी करेगी। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफिडेविट पहले प्रभाकर साहिल का और उसके बाद उसका जवाब देते हुए एक तरीके से प्रेस रिलीज समीर वानखेड़े ने दी और एक एफिडेविट कोर्ट में भी दायर की, इस पर राजनीतिक जो बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। जी देखिए, इस पर राजनीति इससे ज्यादा गर्मा चुकी है क्योंकि शुरुआत से ही जैसे ये केस सामने आया था नवाब मलिक ने सबसे पहले एलिगेशंस लगाए थे पूरी एनसीबी की जांच को लेकर, जिसके बाद शिवसेना सामने आई और अब जब पहला एफिडेविट जो टाइम्स नेटवर्क ने ब्रेक किया है, टाइम्स ऑन भारत पर हमने जो मिसेस साइल का है जो कि पहले विटनेस थे इस पूरे प्रकरण में, उसके बाद कई सारे अहम खुलासे हुए हैं। अहम खुलासों के मद्देनजर हम ये भी देख पाएंगे कि लगातार जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके अंदर मनी एक्सटॉर्शन का मामला तक सामने आ चुका है। इसके बाद नवाब मलिक ने अपने सारे बयान दिए, उन्होंने कहा कि जो भी तथ्य उन्होंने सबके सामने रखे थे वो सही थे। इसी बीच में शिवसेना के संजय राव का भी बयान अब सामने आता है, जहां पर करके भी वेट जो एक ये कहा पूरे मामले का जो कनेक्ट वो दिल्ली तक से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा बहुत अहम मामला हो जाता है जिसका अब इस पूरे प्रकरण में कई और सारी चीजें सामने आएंगी। बीजेपी हालांकि शुरुआत से ही ये दावे कर रही है कि इसके अंदर जो एजेंसी है सिर्फ और सिर्फ उसका नाम खराब किया जा रहा है, सेंट्रल जो पार्टी है वो कहीं भी एजेंसी का फायदा नहीं उठा रही, जो कि स्टेट वर्सेस सेंट्रल का मामला यहाँ पर बना था।
लेकिन अब जिस तरह से संजय राउत सामने आए हैं, शिवानी, ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस है इनको लेकर के भी कई सवाल खड़े होते हैं। किरण गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, उसके बाद भी उसे एक इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया। साथ ही भानुशाली से हमने बात की तो उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि वो लोग गुजरात में थे, अहमदाबाद में थे और वहां से वो मुंबई आए। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इन लोगों को वहां से बुलाने की क्या जरूरत थी? इनका खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खराब है, क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ दर्ज हैं, तो फिर एनसीबी ने इन्हें इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों बनाया? जी बिल्कुल, यही सारी जो चीजें हैं वो सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं एनसीबी की जांच को। लेकिन दोनों पक्षों की अगर बात ध्यान से देखी जाए, टाइम सेंटर पर हम शुरुआत से ही दोनों पक्षों को दिखा रहे हैं, जिसमें जिस तरह से गोसावी का लापता होना, उनके खिलाफ पुणे पुलिस में कई सारे केसेस का दर्ज होना, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो जाना, ये सारी कई सारे अहम बातें थी जो कि एनसीबी के दावों को खोखला साबित कर रही थी। हालांकि इसको लेकर भी एनसीबी ने अब साफ साफ ये कहा है कि ऐसे कई मामलात होते हैं जिसमें उन्होंने एफिडेविट भी फिलहाल मुंबई के सेशन कोर्ट्स में सबमिट किया है, ये कहते हुए कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है उनके जो भी पंच और जो विटनेसेस थे। हालांकि इसके पीछे क्या मास्टरमाइंड कौन है या ऐसी कॉन्स्पिरेसी कोई क्यों कर रहा है, बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का कहना है कि जो बात वो पहले दिन से कह रहे थे वो सच साबित हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रभाकर साइल को डरा धमका कर दरअसल ये बयान देने के लिए कहा गया है। शिवानी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम वापस आएंगे आपके पास अपडेट्स के लिए, फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रियंक त्रिपाठी ने इस मामले में जांच को लेकर एनसीबी के डिप्टी डीजी से पूछा कि क्या एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि वानखेड़े की भूमिका पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सुनिए। We have received an affidavit filed by one independent witness in this case through social media. That affidavit along with the report was forwarded by DDG SWR. Our DG has decided to get an inquiry conducted. So that inquiry has been ordered and as it proceeds, we'll let you know. On social media itself, there are questions being raised whether Mr. Vankhade will be continuing this probe because he has been associated since the very beginning. What is the NCB's take on that? It will be premature to comment on role of any officer or any independent person at this stage. It has just been initiated. So we'll take a call when the time comes.